वैद्या किचन शो में आप सबका स्वागत है। आज हम ब्रेड चिल्ली बनाएंगे। जब बच्चों का कुछ चाइनीज़ खाने का मन हो तो आप झटपट इसे घर में बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। हम कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में तेल डालेंगे। अब रफली चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे, इसके बाद फूलगोभी डालेंगे और गाजर डालेंगे। इसमें आप बीन, शिमला मिर्च, पनीर भी डाल सकते हैं। हाई फ्लेम में इसे हम लगातार चलाएंगे। अब इसमें हम नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और थोड़ी देर हम सब्ज़ी को अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से सब्ज़ी में मिलाएंगे। अब इसमें हम पास्ता मसाला डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। सब्जी को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसे हमें क्रंची ही रखना है। इसमें हम अब विनेगर डालेंगे, अब सोया सॉस डालेंगे और रफली चॉप किया हुआ टमाटर डालेंगे। इसमें हरी मिर्च डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब टमाटर को नरम होने तक हम इसे पकाएंगे। जब टमाटर पक जाए तब इसमें हम कटा हुआ जो ब्रेड है उसे ऐड करेंगे। इसे सब्जियों के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम फ्लेम को कम कर देंगे और ब्रेड को क्रिस्पी होने तक अच्छे से हम भूनेंगे। आपके बच्चों को बाहर का फास्ट फूड खाने की ज़रूरत नहीं है, ये मिनटों में हेल्दी रेसिपी तैयार है। इसमें आप ब्राउन ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। इसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी डालकर दे सकते हैं और बच्चे खाकर बहुत खुश होंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।